हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप ज़रूर बताना, और कैसे नवरात्रे चल रहे हैं? चक्कर अक्कर तो नहीं आ रहे हैं? कैसा क्या हो रहा है बताना ज़रूर, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में स्कूल को लाना ले जाना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, पर कोई नहीं। कुछ लोग एक कमेंट आते हैं कि प्रीति साड़ी पहन के ही सारा काम किया करो। तो मैं ना मतलब सब लोग ना जैसे दिन में साड़ी पहनते हैं, रात को चेंज कर लेते हैं, कुछ और पहन लेते हैं, पर मुझे आलस आता है कि साड़ी पहन के फिर साड़ी को धोने के लिए रखो, फिर जो मैक्सी वगैरह जो भी लोअर टी शर्ट पहनो फिर उसको धो। मैं ना साड़ी ही पहने रहती हूँ और मैं साड़ी में काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे गाँव में रही हूँ तो आप लोग देखते हो मैं गाँव में भी पहने ही रहती हूँ। तो बस सुबह जल्दी उठी, नहाना धोना किया और एक ही काम हो पाएगा। सुबह उठती हूँ पहले झाड़ू, ये दूसरी बार लग रहा है, सुबह एक बार लग चुका है, ये दोबारा से लग रहा है क्योंकि मुझे पोछा लगाना है, इसलिए नहाना सुबह ही कर लेती हूँ। बस उल्टी सूधी मैंने साड़ी पहनी, सारा काम करने के बाद अच्छे से साड़ी पहन लूँगी। हो गई, मतलब घर में छोटा घर है ना, तो दो तीन बार तो हो ही जाता है झाड़ू पोछा, नहाते हैं तब पोछा लगाना पड़ता है, सीढ़ियों पे एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं। तो सारा काम करके फिर अपने आराम से बैठेंगे, और अभी तो नवरात्रे चल रहे, सुबह पहले नहा लो तो ही अच्छा लगता है, मतलब टाइम भी मिल जाता है, नहीं तो पूरे दिन स्कूल आना, ट्यूशन, ये अभी कीर्तन, मतलब कीर्तन का आए दिन आ जाना कल जाना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, और जिसके घर नहीं जा उसको ही देखिए बुरा लगता है। तो पूरे दिन भागम भाग रहती है, पर अच्छा भी लगता है, रात को थक हार के सो जाओ। सीढ़ियाँ साफ़ की मैंने पूरे में, देखिए कागज़ बेड वगैरह के नीचे जो भी कागज़ थे वो सारे हटाए, और पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी दीवारों पर इतनी ज़्यादा बैठ रही है, क्या ही बताऊँ। एक चीज़ बताऊँ, जब हमें मन नहीं होता है ना वीडियो डालने का, तो हम सोचते कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से, जब वीडियो एक बार स्टार्ट हो जाती है ना तो आसानी से बन जाती। अभी जो मैं ये आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, पहले सोच रही थी अरे इतने मिनट का ही वीडियो है, इतने मिनट का ही वीडियो है, जब काम करने लगते देखिए कितना बड़ा वीडियो हो गया, और सिर्फ मैंने एक एक सेकेंड से ही कम दिखाया है इस वीडियो में। कीर्तन का तो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ, कीर्तन की जो वीडियो है वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर का सारा काम ख़त्म किया, पहले मैंने सोचा क्या बनाऊँ भोग के लिए, तो भोग के लिए मैं कद्दू बना रही हूँ। कद्दू का मतलब बर्फ़ी जमाऊँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो है उसी में ही बनाऊँगी। तो पहले मैंने कद्दू को धो लिया और चाय की पत्ती लेके आई थी, चाय पत्ती की, और पता है मैं सोच रही थी मैं बर्फ़ी जमाने जा रही हूँ, मतलब पहले हलवे की सोचा, फिर मैंने देखते हैं हलवा बनेगा तो हलवा बना देंगे, बर्फ़ी बनेगी तो बर्फ़ी, मतलब दिमाग में नहीं रखा था मुझे ये बनाना है, मैंने बोला जो बन जाएगा वही बना देंगे, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था चीनी तो है ही नहीं, चीनी ख़त्म हो गई है, और मैं कदुआ का हलवा या मिठाई बनाने के लिए जा रही हूँ। फिर मुझे आया अरे ये तो 5-6 किलो चीनी लेके आए थे बड़ी टंकी में रखे हुए, फिर मैंने नहीं तो दुकान पे भागना पड़ता लेके आना, फिर आलकस आता पर था। मैंने कद्दू को छीला, ये बोल रहे थे लौकी मंगवा के रख ली कद्दू, और इस बार कुछ खाया ही नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं है। तो एक चीज़ बता दूँ, अकेले खुद के हाथों से नहीं होता, पूरा दिन मुझे ऐसे ही भूखे प्यासे मतलब हो जाता है। मुझे पता है आप लोग कमेंट आते प्रीति अभी तो चल जाता है बाद में दिक्कत देगी, पर खुद के हाथ से नहीं बनता। कल आप यकीन मानो वंशु ने मुझे चाय बनाई थी स्कूल से लेके आई थी, वो भी मैंने नहीं पी पाई थी क्योंकि सब लोग गली में कीर्तन जाने लगे थे, और मैं फिर चाय पीऊँ फिर अच्छा नहीं लगता, पर इन्होंने आके पी ली थी। एक टाइम मेरा बन गया तो बन गया, वही मेरा हो जाता है, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ कि ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, नहीं मैं सोचती होना चाहिए खाली। तो देख रहे हैं कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों के सामने जुल रखते हैं, मतलब जो भी बचते हैं सबके दे दबा के, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आप लोग बताना कितने हैं। अब आप लोग बताना मैंने कितने नोट करके कमेंट करके, ठीक है। कुछ कमेंट आए थे कि इतना तो तुम्हारा खर्चा नहीं है, मतलब क्यों वो इतना करते, तो बताना खर्चा नहीं है, ये हैं इतने,
बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, मेन चीज है हमारी गाड़ियों की किस्त। बड़ी गाड़ी की 8,000 जाती है, मेरी वाली की 4,500 रुपये जाती है, और मतलब एक जो मैं कमेटी डालती हूँ उसकी 1,000 रुपये जाती है, 20,000 की है, तो मतलब 10-15,000 रुपये तो ऐसे ही चल जाते हैं। घर खर्च में तो इतना नहीं लगता, बचत ठीक है, ये बचत नहीं है जाएगी। तो यहाँ पे पी रहे चाय और सभी लोगों को सर्दी हो गई, ये भी घर पे इनकी वितवटी लिए, सारा काम हो भी गया, नहीं भी हो गया ऐसे समझ लो, सर्दी की वजह से आँख वगैरह सारी सूज गई है। तो सोना की होती है 12:55 पे और वंशिका की होती है 12 बजे। और सोना ना 2 दिन से बहुत रोड़ी है, 2-3 दिन से कल उसने खाना भी नहीं खाया गुड़िया के लिए। वैसे मेरी बेटियां ना कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करती हैं। आज सुबह उठी, मैंने कल बोला था मैंने कल स्कूल जाऊंगी तब दिलाएंगे, तो सुबह उठती हैं सबसे पहले मम्मी आज गुड़िया दिलाओगी ना, क्योंकि 2 दिन स्कूल नहीं गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, सर्दी हो गई थी बहुत तेज। तो वही तो सोना मेरे पास कल इनको हो गई थी, रात में कह ही रहे थे कि तुझे होगी तब पता चले तुझे होगी, और रात सोना और मैं पास में मुँह की भाप लगती है ना तो जल्दी से हो ही जाता है, और रात कल से ही छीके 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 एक आँख से पानी हो ही जा रहा है, पर कोई नहीं, काम करने ही करने। चलो साड़ी वगैरह सब ऐसे ही बांध के बस काम में ही लगी थी, सुबह पहले नहा लो ना तो पूजा पाठ वगैरह सब सही से हो जाती है। मैंने और पहले चाय पी लें उसके बाद सारी चीज़ें, फिर साड़ी वगैरह बांधेंगे, फिर कुछ करेंगे। कलर किया था, आधे वालों में कलर हुआ आधे में नहीं हुआ, 15 रुपये की में थोड़ी सी तो आती सारा। चलो पर यहाँ से बहुत दिख रहे थे ना, बहुत बुरे लग रहे थे, बहुत नहीं वो वाला नहीं था, वो मेहंदी थी ब्लैक कलर की, वो मंगाई थी, वो आप वाला मिला ही नहीं, बस सोना ने ला के दिया था। चलो चलते हैं, आज इनका मूड ख़राब है क्योंकि कहीं जब 10 रुपये लगने के हो और वहाँ पे 50 रुपये लगे तो मूड तो ख़राब होता ही, पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, हैं। तो वही सोचा बिचारी में लेटे हुए, हर महीने का एक बैलेंस बना के रखना होता है, यहाँ पे इतने देने, यहाँ पे इतने देने, अगर वहाँ डबल चले जाएँ तो मिडिल क्लास लोग हम लोगों का एकदम रूटीन इधर उधर हो जाता है, दिमाग में खिसक जाता है, खिसका दिमाग, बहुत मूड ख़राब हो गया। 5,000 रुपये के 8,000 लग रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोग बोलो, प्रीति ऐसे कह रही 500 रुपये बचाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, 500 रुपये पूरे दिन कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो बहुत सारी बातें हो गई, चलो काम करते हैं। सर ना बड़ा लप 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 कर रहा है, और चलो चालू नाचना आवे आंगन टेढ़ा, आ तो ना तो कत काय को सब साइन अप अपडेट किया था और टीवी एकदम वो हो गई थी, इतने दिन से किया नहीं है ना, किया नहीं था, और रोज ही करती हूँ मैं तो, सिर्फ हम ये चला सकते हैं और सब में पैसे लगते हैं। आप लोग बताना आप लोग क्या क्या देखते हो, है पैसा डलवा लो, है डलवाइयो, देखने मजा तो आता है, आ तो टीवी देखने मजा, सही बात है। हॉट स्पॉट पे चला, हॉट स्पॉट वो ऐसे टच भी होती है। कर लिया, यहाँ आके मैंने साड़ी पहनी, राधा बैठी हुई है, राधा वीडियो बना रही है, और मैंने थोड़ा सा गली में एक वीडियो बनाई माता रानी के उस पर बनाई थी, तो बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वही है आप पसंद आ जाए तो है, पसंद आती तो अच्छी अच्छी करने का मन होता है, आप लोग भी जानते हो, चाहे काम हो चाहे खाना हो, खाना अच्छा बने तो मन करता है, ख़राब बने तो टूट जाता है। तैयार हो गई हूँ, लग जाएगी और भी है कि गाड़ी के नीचे बैठते हैं आके ठंडे की वजह से, ध्यान नहीं रहे तुमके, लग लगा दो, ये भी एक दो, ये देखो तीनों के तीनों यही बैठे हैं ना, सा देखो दिख रहे हैं उसमें, दिख रहे हैं ये जल्दी जा जल्दी, वो एक काम है
ले जाओ, ये ले जाओ, बार बार हम रखते जा रहे हैं, ये आते जा रहे हैं, ये वाला आया था, ये रखा हुआ है, यहाँ मत रखो, उधर रखे आओ, यहाँ स्कूटी घुमाऊंगी। स्कूल ये छोड़ के आ गए थे, ट्यूशन से बच्चों को मैं लेके आई थी, दुकान बंद थी, मैंने खुलवाई, तो वो इनको लाला जी कहते हैं, तो बोल रहे थे, मैंने बोला दुकान बंद करके लेटे हो कि क्या करें दुकान में, मतलब दुकान ऐसी चीज़ है, मतलब यहाँ पे पूरे टाइम रहना पड़ता है, मैंने कि कोई भी किसी टाइम आ जाता है, मैंने कि ये भी बात सही है, पर चलती हो घर में ही अपना कुछ हो तो अच्छा लगता है। और देखिए चले भी ना लोग ना आए और बैठे खाली, दिन दो दिन बैठो तीन दिन क्या फ़ायदा, फुर्सत मैया रानी ना दे वही अच्छा है, कमाते रहे मेहनत करते रहे तभी सब कुछ होता है, होता है कि नहीं। तो दुकान से मैंने साबुन दाना लिए, बतासे लिए क्योंकि ख़त्म हो गए थे घर पे बतासे, इसलिए तो ये दो ढाई घंटे के लिए मैंने साबूदाना भिगो दिए। खिचड़ी बनाऊंगी आज मैं इसकी साबूदाने की, आलू काटे टमाटर काटा प्याज, साबूदाना भूंज फूल गया, इसको अच्छे से धो लूँगी मैं, कढ़ाई रख दी है मैंने, हरी मिर्ची डाल दी है और थोड़े से मेरे चावल रखे हैं, मतलब वो वाले होते ना सिंगाड़े के वो वाले चावल, आलू को मैंने इसी में फ्राई कर लिया था, एकदम से बन गए थे तब इसी में साबूदाना डाल दिए। और ये मैंने अकेले ने नहीं खाया, आप लोग सोचें इतना सारा बोलती हो कि हम तो कुछ खाते ही नहीं ये वो, तो ये हमने सब ने खाया था, बच्चों ने खाया था, सबको बहुत अच्छा लगा। आलू इसी में फ्राई हो गए थे बहुत अच्छे से, उबले हुए आलू नहीं है कच्चे हैं, नमक मैंने डाला और इनको ढक के पकाया थोड़ी सी देर, मतलब पतले पतले काटे थे, ज़्यादा मोटे नहीं थे, बारीक बारीक से थे, जल्दी से बन जाएंगे। देखिए उसमें मैंने टमाटर डाला, साबूदाना डालेंगे, साबूदाना फूला हुआ है बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाएगा, आप चाहें, और ये ना हीरे की तरह से चमकता है, अच्छा लगता है, देखिए खिला खिला, पर कितना भी धो लो नीचे नीचे थोड़ा बहुत तो मैदा के जैसे रह ही जाता है साबूदाना, ये देखिए इस तरीके से। और नवरात्रों में मीठी चीज़ तो बिल्कुल खाई नहीं जाती है, नहीं खाई जाती है ना, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, ये देखिए आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, मेरे ना व्रत वाले थोड़े से चावल बचे हुए थे तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, आप ऐसे ही खा सकते हो, ऐसे अच्छी लगती है, पर हमने सबने खाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो तो सही रहती है कि कटोरी तो दोगे। देखिए हमारी ये साबूदाना की हो गई, इसमें थोड़े से चावल बचे हुए वो मैंने मिक्स कर दिए, इसको साइड से हटा के गर्म कर लिए थे उनको, क्योंकि चिपके ना, गरम गरम चिपकेंगे, ठंडे होने के बाद एकदम से खिले खिले हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे साबूदाना की ये करके, और मैंने मतलब मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरी भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, इसमें से बच्चों ने ले लिया था, इन्होंने नहीं लिया था पर बच्चों ने खा लिया था, बच्चों का भी मन भर गया था, आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ, किसी भी के साथ खा सकते हैं, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। उधर मैंने कद्दू वगैरह की तैयारी करके रख दी, कद्दू को मतलब काट वो धो के और वैसे करके रख दिया, बस उसको घिया कस करना है, उसको उबाल भी सकते पर मैं उबालूंगी नहीं, उबला हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, उबला हुआ ना एकदम घुट जाता है। तो ये हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, आप लोग ट्राई करना, अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी बनती है। साबूदाना की रखे तो उसकी खा लीजिए, मेरे पास चावल पड़े हुए थे तो मैंने वो ऐड कर दिए, ये पापड़ है आप लोगों को दिखा रही थी, और हाथ देखिए मेरे ये कलर की वजह से मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं, ये व्रत वाले पापड़ है। ये तीन दिन की क्लिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो 3-10 रुपए की पापड़ कितने से दिए हैं, हम सब ने ये पापड़ खाए चाय के साथ, और यहाँ थोड़ा सा घी डाला, और मैंने कद्दू को जो कदुआ है, आप लोग बोलते इसको ये बोलते वो बोलते, हम तो कदुआ ही बोलते हैं, घिया कस करा, ये बहुत जल्दी बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है मिनटों में, आपके पास ड्राई फ्रूट हो, खोया हो, नारियल हो, जितनी चीज़ें हो उतना अच्छा, पर मेरे पास कुछ नहीं था, पहले मैंने कद्दू का सारा एक्स्ट्रा पानी जला दिया, उसमें चीनी ऐड की और उसे अच्छे से पकने दिया। अब थाली पे मैंने घी लगाना भूल गई थी तो थोड़ा सा छुड़ाने में दिक्कत देगा, बन गया, उसे प्लेट में मैंने इस तरीके से
फैला दिया और ये 5 मिनट में ही जम के रेडी हो जाता है। इलायची पाउडर डाल दिया था और ड्राई फ्रूट मेरे पास कुछ भी नहीं थे तो और मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो ये जम जाएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 5 मिनट में आधी बीच बीच की आपको दिख रही है जम गई है और नहीं जमी है, तो पहले मैं भोग के लिए निकाल के इसको रख दूँगी। ये देखिए आप लोग ट्राई करना, कद्दू अच्छा नहीं लगेगा पर ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाना रहते कद्दुआ मिठाई है, हमने कही कद्दुआ है तो फिर तुम क्या नाना ने खाई है, कैसे होनी है, खराब है रहो तो सही।